फिरारी की कार्स काफी कूल है पर उनके ओनरशिप लॉस कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और रैंडमली किसी को भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिसमें फ्लॉयड मेवेदर द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम को फिरारी ने इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि वो कुछ ही महीनों के लिए अपनी कार्स को खरीदते हैं, बढ़िया उससे फ्लेक्स मारते हैं और फिर बेच देते हैं। पर फिरारी चाहते हैं कि कस्टमर उनकी कार्स को सालों तक चलाए और सालों तक एम्ब्रेस करे। पर अगर आपको यही कम लग रहा है तो 50 सेंट्स इन द क्लब वाले रैपर को फरारी ने इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उनकी 488 GTB की बैटरी डेड हो गई थी और उन्होंने इसकी ट्रक पे लोडेड फोटो डाल दी कैप्शन लिख के फकिंग। तो फरारी कुछ ज्यादा गुस्सा हो गए। पर अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो क्रिस हैरिस एक कार जर्नलिस्ट मेरे तरह को फरारी ने इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने पब्लिकली बोल दिया था कि फरारी हर कार मैगजीन को फोर्स करते हैं उनकी गाड़ियों को टॉप रैंक देने के लिए। पर फरारी ने कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं और अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। और अगर आपको ये भी कम लगता है तो जस्टिन बीबर को फरारी ने इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि वो अपनी 458 इटालिया को एक पार्किंग लॉट में पार्क करके भूल गए 3 हफ्ते के लिए और वो गाड़ी वही सड़ते रही। Now this is called richness. और फरारी को एक कुछ ज्यादा बुरा लग गया तो इसलिए डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट कर दिया। और आप भी डायरेक्टली कार वर्सल को सब्सक्राइब कर लो।